चौधरी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के जो मेन क्वेश्चन है, जो 6 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो मेन क्वेश्चन आज अपन लेंगे। प्रश्नावली 11.4 का छठा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा पर अगर समबाहु त्रिभुजा बनाते हो तो उसका क्षेत्रफल है वो उसी वर्ग के विकर्ण पे बनने वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हो, उसके एरिया से जो उसके डायगोनल पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके एरिया से हाफ होगा। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक वर्ग है और इसने भुजा का नाम दिया। तो अपन भुजा कौन सी? AD पे कौन सा समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है? PAD। और विकर्ण आप AC पर बनाओ चाहे BD पर बनाओ, मैंने AC पे बनाया है। AC पे कौन सा बनाया है? AQC समबाहु त्रिभुज बनाया है। सिद्ध क्या करना है कि जो भुजा वाला है, भुजा पे कौन सा है? PAD का क्षेत्रफल किसका आधा होगा? विकर्ण वाले का। विकर्ण पे कौन सा है? AQC के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अपन इस वर्ग की भुजा को A मान लेते हैं, स्मॉल A से डिनोट कर देते हैं। तो इससे समबाहु त्रिभुज की भुजा भी A होगी क्योंकि ये भुजा पे बना हुआ है। अब प्रश्नावली 15 में अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर वर्ग है उसकी भुजा का मान दिया है तो आप विकर्ण निकाल सकते हो क्योंकि ये A और A होता है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप ये कर्ण का मान निकाल सकते हो। तो 2 स्क्वायर होगा और 2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? √2a। इसका मतलब इसका विकर्ण का क्या सूत्र हो गया कि √2 गुणा में भुजा। तो इससे संभव त्रिभुज की जो विकर्ण पे बना हुआ है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? √2a। क्योंकि ये जो वर्ग है इसका विकर्ण है लेकिन ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसका कर्ण है। तो कर्ण के सूत्र से अपन AC का मान निकाल लेंगे। AC का मान आएगा उतना ही AQ और CQ का मान होगा। तो ये हो गया √2a। उसके अकॉर्डिंग अपन समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आगे लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। उसके द्वारा अपन इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी भुजा को जो माना है वो लिख देते हैं। माना जो वर्ग की भुजा है वो अपने कितनी मानी है? वर्ग की भुजा को मान लिया है A। अब जो संभव त्रिभुज PAD की भुजा भी कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी क्योंकि वर्ग की भुजा भी बड़ा हुआ है वो। अब जो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का जो डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण AC का मान कितना आ गया है? ये √2 गुणा में A है, √2 गुणा भुजा इसका फॉर्मूला है। तो वर्ग का विकर्ण √2 गुणा A है। तो वर्ग ABCD के विकर्ण पर बने संभव त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी? संभव त्रिभुज का नाम क्या है? QAC की जो भुजा है वो कितना हो जाएगा? √2a। तो ये इन दोनों के मान हो गए हैं संभव त्रिभुज की भुजाओं के। अब दोनों के क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं PAD। तो त्रिभुज PAD कौन सा त्रिभुज है? ये संभव त्रिभुज है। तो संभव त्रिभुज PAD का क्षेत्रफल, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वेयर साइड स्क्वेयर। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है इसकी? A है। तो ये आ गया A स्क्वेयर। ये समीकरण नंबर बनाती 1। अब कौन सा ले लेते हैं जो विकर्ण पे बना हुआ है? QAC। तो संभव त्रिभुज QAC का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज QAC का क्षेत्रफल, तो QAC का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला ये लगेगा। तो √3/4 इंटू भुजा यहाँ कितनी है? √2a है। तो √2a का क्या होगा? स्क्वेयर। अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं। √3/4 गुणा में ये हो जाएगा 2। √2 का स्क्वेयर तो 2 हो गया, a का करेंगे तो a स्क्वेयर। अब देखिए इस 2 को 4 से काटिएगा मत, इस 2 को मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2 और आगे गुणा में √3/4 और ये a का स्क्वेयर। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो अपने पास आया है √3/4 a स्क्वेयर, ये समीकरण नंबर 1 में जो था उसमें की तरह अपने आप बना लिया है। तो
तो रूट तीन बटा चार ए स्क्वायर, इसकी जगह समीकरण नंबर एक से ये किसका क्षेत्रफल है, संभव त्रिभुज पीएडी का क्षेत्रफल है, तो जो ब्रैकेट में इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, संभव त्रिभुज पीएडी का क्षेत्रफल। अब जो लेफ्ट साइड में वो एज इट इज संभव त्रिभुज क्यूएसी का क्षेत्रफल बराबर दो गुणा में इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी जगह समीकरण नंबर एक से क्या हो जाएगा, संभव त्रिभुज है पी ए डी का क्षेत्रफल। अब जो दो इसके गुणा में है तो वो दो इधर आएगा तो वो एक बटा दो बन जाएगा। यहां पर ये भी सिद्ध करवा सकता है कि जो विकर्ण पे बना हुआ त्रिभुज है वो भुजा वाले का दुगने के बराबर होगा, तो यहां ये पी ए डी है वो इसकी भुजा पे बना हुआ है तो भुजा वाले का दुगना करने पर विकर्ण वाले क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। तो ये दो लेफ्ट साइड में आएगा तो एक बटा दो बन जाएगा, एक बटा दो इंटू त्रिभुज क्यूएसी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, संभव त्रिभुज पीएडी का क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छह, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, तीन नंबर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसको आप ध्यान से कीजिए।